हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर कुलबीर कौर। आज हम इंग्लिश का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग इसमें मतलब बच्चा, मैंने पहले बोला जो इंग्लिश के सारे टॉपिक हैं वो क्या क्या कवर करते हैं, हमारे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, एरर और फिलअप्स कवर करते हैं। और क्वेश्चन टैग में मैक्सिमम फिलअप्स के लिए रहता है। हम पंजाब के एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम देते हैं, SSC के एग्ज़ाम देते हैं, आप प्रीवियस एग्ज़ाम उठा के देखो, ये बहुत ज़्यादा आया है। इसके कुछ थोड़े से रूल हैं और आप इजीली से समझ पाओगे। क्लियर? आपको पहले ये समझना होगा क्वेश्चन टैग होता क्या है। क्वेश्चन टैग होता क्या है, क्लियर? कहते हैं अ शॉर्ट क्वेश्चन फॉलोइंग अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ क्वेश्चन टैग। कहते हैं अ शॉर्ट क्वेश्चन फॉलोइंग अ सेंटेंस, कहते हैं एक सेंटेंस के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। क्लियर? तो अब अगर हिंदी में बात करें कि क्वेश्चन टैग क्या है, अगर मैं बोलूँ आज गर्मी है कि नहीं, ठीक है, जब मैं सिंपल बोलती आज गर्मी है, नहीं, राम ने काम कर लिया, नहीं, क्लियर। जो हम कन्फर्मेशन के लिए एंड में क्वेश्चन बोलते हैं उसको क्वेश्चन टैग बोलते हैं। राम ने काम कर लिया नहीं के नहीं, क्लियर। अपन रुक के बोलते हैं तो उसको बोलते हैं, वो हिंदी में बोल रहे हैं। जहाँ हम बोल देते हैं आज वो आएगा कि नहीं, क्लियर। तो ये जो पीछे क्वेश्चन रखते हैं उसको हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं। वो तो हम पंजाबी या हिंदी में बोल देते हैं नहीं, हाँ, क्लियर, शॉर्ट में बोल देते हैं, कुछ पूरा लाइन बोलने में कि वो आएगा, उसको शॉर्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। पर इंग्लिश में उसको कैसे करना है, इसमें हम नहीं, हाँ तो चलेगा नहीं, तो इसमें कुछ रूल्स रहते हैं, उस रूल्स को हमने फॉलो करना है और इस क्वेश्चन को करना है। एग्जाम में फिलिप्स कैसे आएगी, ऐसे आएगी जैसे लिखा होगा राम इज़ नॉट कमिंग फिलिप क्वेश्चन मार्क, क्लियर। तो हम इसमें क्या है, इसमें क्या है, राम इज़ नॉट कमिंग इज ही, राम इज़ नॉट कमिंग इज ही, क्लियर। अब इसके कुछ रूल हैं, कैसे हमने वहाँ इज ही कैसे लगाया, जब क्या आएगा, कौन सा टेंस आएगा, कौन सा नहीं आएगा, क्लियर। उसके लिए कुछ रूल्स हैं, इसके रूल्स को पहले हमें पता होना चाहिए। कहते हैं सेंटेंस एंड द क्वेश्चन टैग मस्ट बी सेम टेंस। पहली बात ये आएगी, जो सेंटेंस रहेगा और क्वेश्चन टैग रहेगा वो सेम टेंस का होना चाहिए, क्लियर। अगर परफेक्ट है तो परफेक्ट होना चाहिए, अगर कंटिन्यूज है तो कंटिन्यूज होना चाहिए, अगर सिंपल है तो सिंपल होना चाहिए, क्लियर। कैन द फॉर नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज़ अ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड नोट। कहते हैं अब इसमें अगर हम कॉन्ट्रैक्टेड क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज़ करें तो सिंपल नहीं लिखेंगे, डिड नॉट नहीं लिखेंगे, हैज़ नॉट नहीं लिखेंगे, उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे क्या, डिडंट, हैडंट, वोंट, क्लियर, ऐसे लिखेंगे। कहते हैं इफ सेंटेंस इज अ पॉजिटिव एंड द क्वेश्चन टैग मस्ट बी नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव रहेगा, अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही हमने याद रखना है। कहते हैं ऑलवेज यूज प्रोनाउन इन द क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन यूज होंगे, क्लियर। तो अगर क्वेश्चन टैग करने से पहले ये हमें चार रूल्स पता होना चाहिए। पहला रूल क्या है, टेंस सेम होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होनी चाहिए, सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, अगर सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, और इसमें हमेशा हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे, क्लियर। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है हमें, कहते हैं कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग होता है, ये मैंने आपको पहले भी अपने रूल्स में डिस्कस करवाया हुआ है। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका नेगेटिव मीनिंग होता है, जैसे हार्डली, मुश्किल से ही उसने कोई काम किया होगा, सेल्डम, कभी कभी, क्लियर। तो पहले ये नेगेटिव मीनिंग देते हैं, सेल्डम, स्केयरली, रेयरली, बेयरली, एक्सेट्रा, क्लियर। हैंस दे विल टेक अ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आफ्टर दैम। ये पहले ही एज अ नेगेटिव यूज होते हैं, तो इसलिए इसका जो क्वेश्चन टैग रहता है वो पॉजिटिव रहता है, क्लियर। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, क्लियर। तो फर्स्ट क्या, ही हार्डली डज एनी वर्क। तो पहली गल तो टेंस सेम आना चाहिए, तो डज का तो वो सेम रख रहे हैं, डज तो प्रोनाउन यूज होना चाहिए। अब ये हार्डली नेगेटिव है तो यहाँ हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, डज ही, क्लियर। नेक्स्ट, ही फाउंड बियरली एनीथिंग टू ईट। अब डिड ही क्यों आया, सेम सेंटेंस था, फाउंड क्या है, सिंपल पास, सिंपल पास का अगर नेगेटिव बनाना हो तो क्या आएगा, डिड आएगा, क्लियर। तो ये क्या आ गया, डिड ही। बच्चे आपको टेंस आने भी ज़रूरी हैं, क्लियर। ही इज सेल्डम एब्सेंट, वो कभी कभी एब्सेंट होता है, है ना, अब ऐसा हम बोल देते हैं, क्लियर। तो दोबारा रिपीट नहीं करते, तो शॉर्ट क्वेश्चन, ही इज सेल्डम एब्सेंट, इज ही इज का सेम सेंटेंस, और पीछे जो आएगा प्रोनाउन आएगा। बच्चा ये ऐसा ही आपको फिलअप्स आएंगी, क्लियर।
तो मैक्सिमम ये फिलअप्स में देखा जाता है, समटाइम ये एरर या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में भी आता है. क्लियर? तो नेक्स्ट रूल देखते हैं, कहते हैं देयर इज नो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ एम नोट. एम नोट की कोई भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होती, मीन्स हम एमंट नहीं लगा सकते, वो गलत हो जाएगा. क्लियर? तो हम एम नोट की जगह क्या यूज़ करेंगे? आरंट. जहाँ भी हम एम नोट, एम फर्स्ट में एम लगा हुआ है तो हमने पीछे आई एम गोइंग समथिंग, ऐसा कोई भी सेंटेंस है उसका नेगेटिव बनाना है तो पीछे एमंट आई नहीं आएगा, तो उसकी जगह आरंट आएगा. क्लियर? आई एम फाइन, तो यहाँ अब एमंट नहीं आएगा, आरंट आएगा. आई एम फाइन, आरंट आए. क्लियर? तो बात समझ आई? क्लियर? बाकी सबको आपको पता है, अगर हैज़ होगा तो हैजंट बन जाएगा, हैव होगा तो हैवेंट बन जाएगा, पर अगर एम होगा तो एमेंट नहीं बनेगा, उसकी जगह आरेंट आएगा. क्लियर बच्चा? थर्ड रूल की तरफ चलते हैं. अगर इफ अ सेंटेंस स्टार्ट विज देयर, अगर कोई भी सेंटेंस देयर के साथ स्टार्ट होता है तो उसका जो क्वेश्चन टैग होगा प्रनाउन की जगह हम देयर ही यूज़ करेंगे. क्लियर बच्चा? ये सारे रूल्स हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पेपर आए हैं उसके बिहाफ पे ही हम डिस्कस कर रहे हैं. इसलिए एक बार आपको ये तो सुनते ही आपको याद हो जाएगा, आप एक बार ये पूरी वीडियो सुनोगे और आपको ये याद हो जाएगा. इसको स्किप करने का कोई मतलब नहीं है, नहीं तो आपको कोई ना कोई रूल स्किप हो जाएगा. क्लियर? तो जैसे एग्जाम्पल क्या दे रखी है, देयर इज नो वाटर. देयर इज का पहली बात तो सेम रखना है, इज का इज रह गया, देयर का देयर. देयर इज नो वाटर, अब नो था नेगेटिव है तो पीछे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. इज देयर, नेक्स्ट आ गया देयर वर नो गुड स्कूल इन द टाउन, वर देयर. क्लियर? तो यहाँ नो लगा हुआ था तो पीछे हम नेगेटिव पॉजिटिव लेके आएंगे, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रहेगा. क्लियर बच्चा? आगे बोल रहे हैं क्वेश्चन टैग इज ऑलवेज मेड इन द अकॉर्डेंस विद द मेन पार्ट. ये हमें पता ही होता है, कोई भी हम वर्ब भी यूज करते हैं जो वो हम मेन पार्ट की, मेन क्या है, मेन पार्ट सेंटेंस का क्या है, उसकी उस यूज करते हैं, तो क्वेश्चन टैग भी मेन पार्ट के साथ होगा. जैसे अब एग्जाम्पल में दिया हुआ है, आई थिंक ही इज राइट. अब आई थिंक तो मेन पार्ट नहीं है, मेन पार्ट तो ही इज राइट है ना, तो ही इज राइट के हिसाब से हम लगाएंगे. ही इज राइट का इज का क्या आ गया, इजंट, और ही का ही आ गया. क्लियर? हेयर आई थिंक इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हैंस इट इज नॉट अ मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस. तो आई थिंक है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है, मेन पार्ट नहीं है, मेन पार्ट ही इज राइट आएगा जो मेन सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है. क्लियर? तो उसके हिसाब से ही हम लगाएंगे. क्लियर है बच्चा? तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कहते ईच, ये मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट टाइम डिस्कस करवाया था. क्लियर? तो रूल्स वाली वीडियो आप मस्ट मस्ट रूल्स वाली वीडियो देखो बच्चा, रूल्स अब आपको आएंगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट आपको बहुत इजी रहेगा. कहते ईच एवरी एवरी वन एवरीबॉडी नो वन नो बडी नन आर सिंगुलर. मैंने आपको पहले भी बताया था ये ईच एवरी सब कुछ क्या रहता है, सिंगुलर रहता है. हैंस इसके साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर एडजेक्टिव रहता है. बट अब मेन चीज़ क्या है, बट देयर क्वेश्चन टैग विल टेक अ प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल प्रोनाउन. अब ये आपने याद रखना है, वैसे तो इसके साथ सिंगुलर ही आता है, सिंगुलर नाउन पर नाउन, पर इसका जो क्वेश्चन टैग है वो प्लूरल वर्ब प्लूरल पर नाउन ही रहेगा. क्लियर है बच्चा? जैसे एग्जांपल दी हुई है, एवरीवन हैज़ कम, हैजंट ही, तो ये गलत हो गया क्योंकि हैज़ क्या है मेरे पास, सिंगुलर है, हमें क्या चाहिए, प्लूरल. तो प्लूरल के क्या, प्लूरल के लिए क्या होगा, हैवंट. एवरीवन हैज़ कम हैवंट दे, तो ये करेक्ट आएगा. क्लियर बच्चा? नेक्स्ट कह रहा है नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक हर, नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक हर. तो अब क्या आएगा यहाँ, लाइक क्या है मेरे पास क्या आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा, प्लूरल लेना है तो डू दे. डू किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ लगता है. डज क्या लगता है, सिंगुलर के साथ लगता है. क्लियर? तो नेक्स्ट क्या आएगा, एवरी वन कैन स्पीक इंग्लिश. जब तो ये कैन है तो कैन का कैन ही रहेगा, कैन है तो टेंस सिंगुलर प्लूरल यही रहेगा. तो बस ये हमारे पास पॉजिटिव था तो पीछे नेगेटिव आ जाएगा, कांट दे. क्लियर? कांट दे. और इसमें मैंने ये भी बताया प्लूरल प्रनाउन, तो प्रनाउन भी सब में प्लूरल रहेगा, दे यूज होगा, ही और शी नहीं यूज होगा, दे यूज होगा. क्लियर? नेक्स्ट रूल पे चले, कहते इफ द सेंटेंस स्टार्ट विद लेट्स, लेट अस और लेट्स, लेटेस्ट गो टू द पार्टी टू नाइट. ठीक है? तो कुछ भी ऐसा कोई लेट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या यूज करेंगे, शेल वी इज यूज्ड इन द क्वेश्चन. क्लियर? जैसे हमें एग्जांपल दे रखी है, लेट अस गो टू द पार्टी टू नाइट, तो नेक्स्ट क्या रहेगा, शेल वी. बच्चा ये रूल्स है, इसको ऐसा याद करना है, ये इंग्लिश है,
क्लियर। इंग्लिश के जो रूल्स होते हैं, हर लैंग्वेज के रूल्स होते हैं, हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए। हम इंग्लिश सीखते हैं तो हमें पता लगता है, जो हमारी मदर लैंग्वेज है उसमें नहीं पता लगता, हम सब कुछ अच्छे से चलते हैं। तो ये सीख रहे हैं तो इसको रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर। तो नेक्स्ट क्या कहता है, कहते हैं इन इंपेरेटिव सेंटेंस क्वेश्चन टैग वॉन्ट यू इज यूज। कहते हैं जो भी इंपेरेटिव सेंटेंसेज होंगे तो उसमें वॉन्ट यू यूज होगा। अब इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है पहले तो ये देख लो। कहते जिस सेंटेंस में किसी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, किसी को एडवाइस दे रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को डायरेक्शन दे रहे हैं या किसी के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, इंपेरेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे। अब इसमें क्या है, कम इन, कम इन तो डायरेक्टली इसमें क्या लगेगा, वॉन्ट यू। क्लियर। तो इसमें डायरेक्टली वैसे ये थोड़ा एग्जाम में कम रहते हैं पर आ भी सकते हैं, इसमें कुछ नहीं, डाउट नहीं है कि आएगा नहीं। क्लियर। तो आपने इसको रूल्स को माइंड में रखना जरूर है। नेक्स्ट क्या बोला है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन इन द क्वेश्चन टैग। कलेक्टिव नाउन के साथ वैसे भी अगर सेंटेंस की बात भी करते हैं, वैसे भी कलेक्टिव नाउन सिंगुलर रहेगा। जैसे जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन। क्लियर। तो उसका क्वेश्चन टैग भी सिंगुलर ही रहेगा। हैजंट इट, इट सिंगुलर आ गया, अगर दे होता है तो वो प्लूरल होता है, तो यहाँ क्या आएगा, सिंगुलर लगाना है तो हैजंट इट। तो ये पहला पॉजिटिव था तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर बच्चा। तो नेक्स्ट क्या चलता है, इफ़ वी टॉक अबाउट, अब कलेक्टिव नाउन की बात हो गई, अगर कलेक्टिव नाउन में हम अकेले अकेले बंदे की बात कर रहे हैं, जैसे कि इफ़ वी टॉक अबाउट द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द कलेक्टिव नाउन, या उनका कोई ओपिनियन अलग हो गया है, तो प्लूरल वर्ब प्लूरल प्रोनाउन लगेगा। क्लियर बच्चा। सेंटेंस में भी और क्वेश्चन टैग में भी। क्लियर। द कमेटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। कमेटी आर, पहले सेंटेंस समझो। कमेटी, वैसे भी बच्चा रूल याद रखना है कि कलेक्टिव नाउन वैसे तो सिंगुलर रहता है, पर कलेक्टिव नाउन अगर उनकी ओपिनियन अलग हो गया, जो उनकी डिवीजन हो गई है, तो वो प्लूरल हो जाता है। द कमेटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, सबका ओपिनियन अलग अलग होगा। कमेटी का आरेंट, अब यहाँ पे भी क्या रहेगा, हमारा प्लूरल रहेगा, आरेंट दे। ठीक है, aren't they। तो नेक्स्ट द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। क्लियर। ऑडियंस अपने अपनी सीट पे बैठ गई है। haven't they, तो ये भी प्लूरल रहेगा। क्लियर बच्चा। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, कहते हैं इफ इन अ इंपेरेटिव सेंटेंस, कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर कोई somebody is being offered anything, अगर कोई कुछ ऑफर कर रहा है या कुछ पूछ रहा है, तो विल यू या वुड यू दोनों ही ठीक रहेंगे, कुछ भी यूज हो सकता है। क्लियर। ओपन द डोर, वुड यू हैव सम मोर टी, वुड यू। क्लियर। तो ये भी आपको याद रखना है बच्चे। ये तो हो गया आपके 10 रूल्स। अब 10 रूल्स के हिसाब पे मैंने आपको कोई फिलअप्स रखी हैं जो आपको सामने दिख रही हैं। आपने वीडियो को पॉज करना है और इसको एक बार खुद से करना है। पहले रूल माइंड में रखने हैं, एक बार रूल सारे रिवीजन करने हैं, पूरे 10 के 10 रूल देखो क्या थे। क्लियर। इसको कॉपी पे नोट डाउन करो, अच्छे से अपनी कॉपी बना लो बच्चा। जो बच्चे मेरे को फॉलो कर रहे हैं, एक आप कॉपी जरूर ले लीजिए, सब सारे नोट्स का, रीजनिंग का लेक्चर है, क्वांट्स का, इंग्लिश का, जीके का, आप सारे नोट्स बना लिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर होगा, क्योंकि मैं आपको बेसिक टू हाई पढ़ाने जा रही हूँ। बेसिक टू हाई पढ़ना है और सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं। अगर कोई भी आपने एग्ज़ाम देना है, SSC, रेलवे, कोई LIC, कोई बैंक PO, बैंक क्लर्क, SSC, इवन SSC CGL, क्लियर। एडवांस मैथ भी डिस्कस होगा और अच्छे से जीके भी डिस्कस होगी। क्लियर। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसकी नोटिफिकेशन आपको आती रहे। क्लियर। अब देखते हैं ये फिलिप्स क्या कहती हैं। शी इज़ कलेक्टिंग स्टिकर, शी ऑफन वॉच TV इन द आफ्टरनून, यू हैव क्लीन योर बाइक सो ऑन। ये सारे आप एक बार वीडियो को रोक के पोज कीजिए और सारे इसको एक बार 10 के 10 खुद से कीजिए, और मैं आपको फिर अगर आपके हो जाते हैं तो डिस्कशन नेक्स्ट देखिए। अब डिस्कशन में क्या क्या है, फर्स्ट क्या था, शी इज़ कलेक्टिंग स्टिकर्स। शी इज़ है तो इज़ का क्या आ जाएगा, पहले पॉजिटिव, पीछे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इज़न्ट शी का शी, क्लियर। ये तो पहले ही प्रोनाउन है। अगर यहाँ पे किसी का नाम होता, जैसे सीता होता, क्लियर, सीता होता, अलीशा होता, कुछ भी होता, तो पीछे हम प्रोनाउन तब भी शी यूज़ करते, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ करना है, क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन यूज़ करना है। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, शी ऑफन वॉच TV इन द आफ्टरनून, शी ऑफन वॉच TV इन द आफ्टरनून। तो ये क्या है, मेरे को सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल में क्या रहेगा मेरे पास, डोंट वी। वी हैव क्लीन योर बाई, हैव तो हैवेंट आ गया, यू पहले ही ये प्रोनाउन था। जॉन एंड मैक्स, अब दो बंदे हो गए, डोंट लाइक मैथ्स,
डोंट लाइक मैट्स, ये तो डोंट का हमने पहले डू कर लिया, अब दो बंदे हैं तो प्रोनाउन दो बंदों के लिए क्या होगा, प्लूरल रहेगा तो दे आएगा, ही नहीं डालना, अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपने। और ऑप्शन में बचा डू ही भी होगा, डू दे भी होगा, डोंट दे भी होगा, डोंट ही भी होगा, ये चारे ऑप्शन में कन्फ्यूज़ नहीं होना, पेपर पे टाइम कम होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, रूल्स अपने माइंड में सेट करके जा रहे हैं, क्लियर, कुछ भी गलत नहीं करना, हमारे लिए एक एक नंबर, एक एक नंबर बहुत ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ जो बच्चा भी ये वीडियो देख रहा है उसका पेपर, हर पेपर उसका क्लियर हो, उसको सोचना पड़े यार मैं कौन से पेपर में कौन से जॉब को एक्सेप्ट करूँ, क्लियर। तो ऐसा होता भी है, बच्चे जो लगन से पढ़ते हैं उनको एक नहीं दो तीन चार पांच जॉब में सिलेक्शन रहती है, उनको सोचना पड़ता है यार कौन से जॉब में जाए, लगन होनी बहुत ज़रूरी है, अच्छे से समझना है, ये नहीं है यहाँ पे वीडियो चल रही है, वीडियो देख रहे हो साथ में आप टीवी देख रहे हो, वो गलत होगा, कंसंट्रेशन से पढ़ना है, एक अब कंसंट्रेशन से एक बार सुन लोगे वीडियो को आपको पूरे रोल आपके माइंड में होंगे, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, पीटर प्लेड हैंडबॉल, पीटर प्लेड, अब प्लेड क्या है, टेंस, प्लेड क्या है, सिंपल पास्ट, क्लियर, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पीछे क्या आएगा, तो सिंपल पास्ट में क्या रहता है, डिड होता है, तो अब ये पॉजिटिव है तो क्या आएगा, नेगेटिव, डिडंट, पीटर क्या है, लड़का, तो उसका प्रोनाउन क्या होगा, ही। तो नेक्स्ट क्या है, दे आर गोइंग होम फ्रॉम स्कूल, आर लगा हुआ है, आरंट, दे का दे, बिल्कुल इजी रहा, मैरी डिडंट डू हर होमवर्क लास्ट मंडे, डिडंट नेगेटिव, पीछे क्या आएगा, पॉजिटिव, मैरी लड़की, पीछे पर नाउन क्या आएगा, शी। नेक्स्ट, ही कुड हैव बॉट अ न्यू कार, तो ये क्या आएगा, कुडंट, क्लियर, कुडंट ही, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या आएगा, केविन विल कम टू नाइट, विल, वॉन्ट, केविन, ही, क्लियर। आई एम क्लेवर, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आई एम का कोई भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता, तो आरेंट आएगा, आरेंट आई। होप सो आपको सारा अच्छे से समझ आ गया होगा, क्लियर। अगर आपको सारा अच्छा ये अच्छी लगी वीडियो तो आप शेयर जरूर कीजिए, बच्चा किसी ना किसी की हेल्प हो जाए, जो बच्चे कोचिंग नहीं ले रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से समझेंगे जरूरत है, बच्चा आप डाउट्स भी ले सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, वहाँ आके आप डाउट्स पूछो, जो बच्चे कोचिंग ले रहे हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कुछ ऐसा रहता है कई बार कोचिंग क्लासेस में कुछ ना कुछ मिस हो जाता है, क्लियर। आपको हर वीडियो में, आप हर वीडियो देखो, आपको कुछ ना कुछ अपनी कोचिंग क्लासेस से अलग ही मिलेगा, क्लियर। और आज के वीडियो के लिए थैंक्स, और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्लियर, कि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्लियर। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।